हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ ही ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं। अगर आपकी प्लेटलेट कम है तो आप साबूदाना की खिचड़ी बना के खाएं, साबूदाना का खीर बना के खाएं और साबूदाना का बड़ा बना के भी खा सकते हैं। आपको जिस तरीके से साबूदाना खाना अच्छा लगता है आप ऐसे खा सकते हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है साबूदाना की खिचड़ी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता है मैं बता देती हूँ। मैंने दो आलू ले लिया है, मीडियम साइज का एक आलू है, एक सबसे छोटा आलू है, थोड़ी सी मूंगफली है, जीरा है और एक टमाटर को मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। थोड़ा सा नमक के स्वाद अनुसार, तो आप स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और ये दो हरी मिर्च है। टमाटर को चॉपिंग कर ली थी मैंने बारीक पारे और आलू को पतला पतला काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, आलू मैंने अच्छे से काट दिया है। दोस्तों कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है मैंने। तो दोस्तों कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अगर आपको तेल की जगह घी पसंद है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। दोस्तों तेल गर्म हो गया है, हम इसमें सबसे पहले मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली को थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मूंगफली फ्राई हो चुकी है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी थोड़ा सा। दोस्तों मैंने इसमें मिर्ची और आलू एक साथ ही डाल दिया है। आलू को मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि आलू जल्दी पके नहीं है। अब हम इसे एक मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। दोस्तों आलू थोड़ी सी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें कच्चे टमाटर डालेंगे। दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा डालेंगे जब साबूदाना डालेंगे इसमें। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे, मिला लें इसे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे, मिला लें इसे। अब हम इसमें इतना ही नमक फिर डाल रहे हैं, नमक का स्वाद अनुसार ही डाल रहे हैं। आप ध्यान रखें कि मैंने जब टमाटर को करा तब भी हमने नमक डाला था थोड़ा सा, और साबूदाना डालने के बाद भी थोड़ा सा डाला है, तो नमक का आप अपने अनुसार ही ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप इसको व्यक्ति बना रहे हैं तो आप इसमें टमाटर ना डालें और धनिया भी ना डालें। मैं इसे नाश्ते के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें टमाटर डाला है और डेली यूज वाला नमक ना डालें इसमें। अगर व्यक्ति बना रहे सीधा नमक ही डालें। मैंने इसे साबूदाना को रात भर भिगोए रखा था। अगर आपको जल्दी बनाना है तो एक से दो घंटा पहले आप इसे भिगो सकते हैं। अब हम इसे दो से तीन मिनट ऐसे ही पकाएंगे। आप चाहें इसको ढक भी सकते हैं, मगर आपको इसको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि साबूदाना नीचे ना लगे। दोस्तों साबूदाना हमारे हो चुके हैं दो से तीन मिनट, और देखिए कितने खिले खिले बने हैं, ये चिपचिपे नहीं बने हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे दोस्तों और इसे सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों साबूदाना की खिचड़ी तैयार है, ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, आप देख ही सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।